मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले टिक्की, चाय। What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आप सभी का दोस्त अमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड वेलकम टू सिखों की शान गुरु का नगर अमृतसर। मैं अमृतसर आया हूं अपनी मॉम के साथ दो दिन के लिए। एक दिन तो कल पहुंचने में चला गया और आज हमारे पास एक दिन है, तो सोचा यहां का स्ट्रीट फूड कवर किया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फेमस जगह ही नहीं बट हिडन जेम्स भी करेंगे। कुलचे तो होने ही हैं, सर्दी है तो मक्की की रोटी, सरसों का साग वगैरह तो लस्सी वगैरह तो ये सब होने ही है, वो सब तो आपको दिखना ही है। मेरे पीछे गोल्डन टेम्पल है, हम गोल्डन टेम्पल के बाहर ही कुछ आइकॉनिक जॉइंट्स के साथ शुरू करने वाले हैं। और अगर आप दिसंबर में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं भाई, सर्दी बहुत ही अच्छी है, अच्छी लगने वाली सर्दी है। तो चलिए सबसे पहले गोल्डन टेम्पल के बाहर बहुत ही फेमस भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले हैं, जो 65 इयर्स पुराने इनका शॉप है। तो चलते हैं, मेरे एकदम आगे, मेरे एकदम बाजू में ही है, मुझे यहाँ से दिख भी रहा है। चलिए कुलचे खाते हैं कुछ मस्त। तो भाई अगर अमृतसर आए और छोले कुलचे नहीं खाए तो हम तो कुछ गलत कर ही रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भाई कुलवंत सिंह कुलचे वालों, अमृतसर जो मैं पीछे खड़ा हूँ गोल्डन टेम्पल उसके एकदम बाहर ही है। इनके दो आउटलेट्स हैं, एक इनका 65 इयर्स ओल्ड है और एक इनका अराउंड अभी लेटली अंदर ही खुला है। जो अंदर वाला है वो कुलवंत सिंह जो पुराने वाला है उसके लेफ्ट में गली में अंदर ही आता है, और जो नया कुलवंत सिंह कुलचे वाला है वो एकदम बाहर ही है। नॉर्थ में कहीं भी हो ना बटर बहुत बहुत सारा लगाते हैं। ये देखो तैर रहा है बटर पूरा अच्छे से। हम लोग ने आलू कुलचा बोला है, हम लोग एक बड़ा सा पीस ले लेंगे, उसमें डुबोएंगे बटर को। आई डोंट थिंक मैं और कुछ बोल सकता हूँ, बिकॉज ऐसे छोले कुलचे मैंने सपने देखे थे इतने सालों से, ऐसे छोले कुलचे खाने को। आलू फ्रेश, कोई कुलचा होता है ना उसमें बड़ा ही मसाला होता है, ये मसाला नहीं है, एकदम लाइट है। आलू एकदम पकड़ पकड़ के भर भर के डाला गया इसमें। इस कुलचे की बेस्ट बात देख रहे हो, इसके जो एजेस है ना अच्छे से क्रिस्प हैं, बीच में नरम है। अगर आपको नो नॉनसेंस कुलचे चाहिए तो कुलवंत सिंह कुलचे वाले आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। अंदर आलू है, धनिया है, हल्के से मसाले हैं और बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। और भाई अभी ना हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कांदा लेते हैं, इसमें कांदा डालते हैं और ऐसा भर के लेते हैं। Oh my God, ये छोला कुलचा खाए बिना वापस मत जाना, बहुत दुख होगा। चलो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद इधर बाजू में एक और अच्छी चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ। तो भाई वो छोले कुलचे तो बड़े ही ज़बरदस्त थे, और मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो मैं बताऊँ, जो कुलवंत सिंह कुलचे वाले हैं एकदम आगे आ जाओ, एकदम सीधा आ जाओ, जहाँ पे रास्ता ख़त्म होगा राइट में कोने पे गुरदास राम जलेबी वाले हैं, एक बहुत ही फेमस जलेबी शॉप है। एंड क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो मैं जितना गर्म ऐसा डिज़र्ट्स और मिठाई खा सकूँ उतना मैं खा ही रहा हूँ। मज़ा आ रहा है मम्मी को, मज़ा आ रहा है। मम्मी का सपना था 3 साल से अमृतसर आने का, आ गए। वो कुलचा कैसा था अभी हम लोग ने जो खाया? टेस्ट मस्त था ना। वो जब तक हमारी अभी जलेबियाँ गर्म गर्म बन रही हैं तो जब मम्मी को आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। एकदम गरम गरम जलेबी हमारे सामने बनाई, अंकल जी को रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज हमारे सामने बनाओ। होए होए, ये जलेबी है ना ये एकदम कड़क है,
मतलब इसमें हल्का सा भी सॉफ्ट टेक्सचर नहीं है, सॉफ्ट इसमें फीलिंग ही नहीं आएगी आपको। ये जलेबी ज़्यादा मीठी नहीं है और जो चाशनी की जो क्वांटिटी वो लिमिटेड है, मतलब खाओगे तो आपको ऐसा इतना ओवर स्वीट शुगर रश नहीं होगा, जितना अच्छा लगता है वैसे ही आपको लगेगा। वेरी फ्रेश, डेफिनेटली ट्राई करना। मतलब आई वॉन्ट से इट्स दी बेस्ट बट इट्स राइट अप देयर बट नॉट दी बेस्ट, बिकॉज एक बाइट के बाद थोड़ा सा नरम टेक्सचर मेरे को पसंद आता है जलेबी में। अब आपको वो पसंद आता है नहीं, आई डोंट नो, मेरे को एकदम ऐसा कट टू कट एकदम क्रिस्प पसंद नहीं आती, बीच में थोड़ा सा नरम टेक्सचर आई प्रेफर, बट दिस इज़ वेरी गुड, यू मस्ट ट्राई दिस। ये अभी हम लोग इस पे बैठते हैं, अमृतसर आओ और इस पे बैठना जरूरी है। जरूरी है सर, जरूरी है ना। चलो भाई चलो, तो हम लोग अभी जा रहे हैं आहूजा में केसर लस्सी पीने को, और अगर आपको आहूजा जाना है तो जहाँ से अभी हम लोग ने जलेबी खाई वहाँ से ये ऐसा ऑटो ले लीजिए, मतलब जो भी रिक्शा है वो ले लीजिए, सीटिंग जो भी साइकिल बोलते हैं इसको, ये वैसे आप बैटरी रिक्शा भी आती है ऐसे वाली, हम लोग ने साइकिल वाला लिया सीटिंग। वैसे लस्सी तो यार अमृतसर में बहुत जगह पे बहुत सारी अच्छी अच्छी मिलती हैं पीने को, बट ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये मैं एक बार आया था 2018 में तो मैंने ट्राई करा था, इसीलिए मैं फिर से आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट लस्सी है दुनिया में, इससे अच्छी लस्सी मैंने कहीं नहीं पी है। ये है आहूजा की केसर लस्सी, आप कोई भी लस्सी पी सकते हो बट प्लीज़ केसर लस्सी पीना। लुक एट दिस, ओए होए होए होए, ओ माय गॉड, इतना ज़बरदस्त ऊपर से ये लोग ने केसर की ड्रेसिंग की है, ये मलाई है, एकदम सेम है भाई, ओह माय गॉड। काफ़ी जगह लोग क्या करते हैं केसर लस्सी बोल के, केसर की ना खुशबू आती है ना फ्लेवर है ना टेस्ट है, बट ये एक इकलौती जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर केसर लस्सी बोलेंगे तो आपके मुंह में इतनी केसर की खुशबू आती है। वैसे केसर महंगा होता है लेकिन ये लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। लस्सी ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम प्रॉपर है और आपको मीठा जो टेक्सचर आना चाहिए लस्सी का एकदम सही आ रहा है। वैसे पिछली बार में जब आया था तो उन्होंने बड़े से ग्लास में दिया था, इस बार उन्होंने आहूजा के अपने प्लास्टिक से ये ग्लास चालू किए हैं, बहुत बहुत अच्छी है। 70 rupees का ये ग्लास है, फैंटास्टिक। वी आर गोइंग फॉर लंच एक बहुत ही फेमस जगह पे, आप लोग गलत ही गेस करोगे, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, चलिए। बहुत लोग को लग रहा होगा कि मैं केसर ढाबा जाऊंगा, बहुत लोग केसर ढाबा जाना पसंद भी करते हैं, मैं गया हूँ मुझे जगह पसंद है, बट इस जगह के बारे में आई हैव हर्ड सो मच, ब्रदर्स का ढाबा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं केसर ढाबा भी गया था, मैं एक्चुअली भारावा का ढाबा गया था बट मैं ब्रदर्स नहीं आया था, फटाफट ऑर्डर करते हैं। और यहाँ का जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा रेस्टोरेंट रूप आपको देगा, थोड़े से ट्रक वगैरह है, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है। आई डोंट नो आपको मेन्यू सही से दिख रहा है या नहीं, आप लोग ने ऑर्डर करा है सरसों का साग की तरह भाई, सरसों का साग हम लोगों ने सरसों का साग ऑर्डर करा है, पापड़ ऑर्डर किया है और हम लोग ने मक्के की रोटी ऑर्डर की है। लाइफ में कहीं भी पालक खा लो, साग खा लो, पालक पनीर खा लो, साग पनीर खा लो, जो कहना है आप उसको कह लो,
बट ऐसा सरसों का साग कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो ऊपर से बटर और कितना इसमें तेल है। ये देखो मेरी रोटी हल्की सी टूट रही है। ओह माय गॉड, जितना मुझे पता है इसमें हल्का सा गुड़ भी जाता है बट ये ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ही थिक है। आई फील लकी कि हम लोग विंटर्स में यहाँ पे आए हैं, इसकी वजह से हम लोग एक्चुअली खा पा रहे हैं। और ये मक्के की जो रोटी है अच्छी सी कड़क है, हल्का सा घी है, और इसके साथ इसको पेयर कर दो यार। इसमें मेरे को काफ़ी अच्छे से कूटा हुआ कांदा भी दिख रहा है सरसों का साग में। साग की जो खुशबू है अगर वो नहीं रहती तो सरसों का साग खाने में कोई मज़ा नहीं आता। खुशबू काफ़ी अच्छी है, टेस्ट अच्छी है, स्पाइसी तो इतना होता ही नहीं सबसे पहली बात, ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, मक्खन अच्छे से डला गया है, घी की क्वालिटी और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये सॉल्टेड लस्सी काफ़ी अच्छी है, कमाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे हमारे गरम गरम पनीर पकौड़े भी आ गए, बिकॉज मेरे को कुछ स्टार्टर में चाहिए था। ये चाट मसाला, पनीर पकौड़ा, ओह माय गॉड, इससे बेहतर पनीर पकौड़ा कहीं नहीं खाया भाई। पनीर ये देखो पनीर का, देखो पनीर का कलर देखो, इतना ज़बरदस्त, इतना फ्लफी। ये पनीर पकौड़ा यहाँ पे ऑर्डर करना प्लीज़, फैंटास्टिक। तो भाई वो था हमारा लंच बड़े भाई के ब्रदर्स ढाबे में। टोटल आया 625 बिल। कितने का, कौन सी चीज़ कितने की है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्राइसेस लिख दूंगा। कमाल का ही टेस्ट था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई वुड रियली रिकमेंड, अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ मक्के की रोटी और सरसों का साग डेफिनेटली ट्राई करिएगा। यहाँ पे भारावांदा ढाबा भी है, काफ़ी फेमस है, बहुत ही मज़ा आया। शाम को गोल्डन टेम्पल चलेंगे। वैसे हम लोग कल भी गोल्डन टेम्पल गए थे, माथा टेका था, अंदर तक गए थे पूरा सचखंड में। आज हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बस कुछ देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और शाम को ये स्ट्रीट फूड वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग शाम में हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल जाएंगे, अभी कुछ देर वहाँ पर बैठ रहा हूँ क्योंकि ये एक ही वीडियो बना रहा हूँ तो आई थॉट मैं आपको हर चीज़ दिखा देता हूँ। फूड तो आप देखोगे ही, आप फूड देखते भी रहते हो मेरे वीडियोस में, बट आई जस्ट वांटेड यू टू सी गोल्डन टेम्पल। काफ़ी लोग शायद गोल्डन टेम्पल नहीं भी जा पा रहे होंगे या नहीं गए होंगे कुछ टाइम से, तो मेरे तरफ से या मेरे थ्रू आप, आई होप आप सब इस चीज़ का लुफ्त उठा सकते हो। मेरे को इतना अच्छा और पीसफुल फील हो रहा है। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स सामने हरमिंदर साहब के यहाँ पे मैं कैमरा रख रहा हूँ और भजन चालू कर दिया मैंने। आप 20 सेकेंड्स तक ये क्लिप देख सकते हो, बहुत अच्छा और पीसफुल फील मिलेगा। तो हम लोग अभी आ चुके बाहर गोल्डन टेम्पल से और बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था। वैसे तो मैं कल भी गया हुआ था, आज जाके ज़रा और मज़ा आया क्योंकि अभी लास्ट टाइम है। अभी कल हम लोग निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। इस वीडियो के बाद दिल्ली की फूड सीरीज़ आने वाली है, ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। और अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। अभी गोल्डन टेम्पल के ठीक बाहर, ये देखो पीछे गोल्डन टेम्पल है, इसके ठीक बाहर एक बहुत ही अंडररेटेड आई फील मेरे हिसाब से एक टिक्की चाट वाला है। कल मम्मी के साथ वॉक कर रहा था, मैंने सोचा एक पीस खा लेता हूँ। उनका नाम है बाबा बेअंत सिंह कुलचे वाले। इनकी जो टिक्की चाट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए हैं छोले टिक्की चाट और उसके साथ ये बन टिक्की है, बीच में टिक्की और ये बन, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। दो टिक्की है, ऊपर से चटनी, छोले, खट्टी मीठी चटनी है और मेरे ख्याल में तीखी वाली चटनी है। एक बाइट और प्लीज़।
सो गुड। हल्का तो सॉल्टी टेक्सचर है टिक्की में, जो छोले हैं स्पाइसी नहीं है। अमृतसर में जो छोले होते हैं उनका स्पाइसी कल्चर नहीं होता, उनकी चटनी जो होती है खट्टी मीठी और थोड़ी तीखी होती है। कांदा ऊपर से भर के डाला गया है, खट्टी मीठी और हल्की सी तीखी चटनी है। छोले बिल्कुल स्पाइसी नहीं है और टिक्की देखो कितनी खस्त, ओ हो धुआं निकल रहा है, ओ माय गॉड। ऐसा इसके बीच में येलो दाल है, द टिक्की इज क्रिस्प, एजेस से क्रिस्प है और बीच में नरम है। आप इसको छोलों के साथ ही खाइएगा। नाउ वी विल हैव बन टिक्की। ओहो ये तो पूरी ऐसी क्रम्बल हो गई, कांदे से ड्रेसिंग हुई है इसकी भी। इवन दिस इज वेरी वेरी गुड, बट बन टिक्की से ज़्यादा अच्छा छोला टिक्की जो चाट रहती है वो पसंद करूँगा। टिक्की सेम ही है, खाली बन के अंदर डाल के दिया है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और ये मॉम ने यहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए रबड़ी कुल्फ़ी, बिकॉज नहीं रबड़ी फलूदा कुल्फ़ी है। ये सेवैयाँ है, नीचे कुल्फ़ी है, रबड़ी है। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके दिस इज़ नॉट बैड, मतलब थोड़ा सा ऐसा वॉट, हाँ मम्मी बोल रही है सिंपल और सोबर, बट थोड़ा सा वॉटरी टेक्स्चर है फलूदे का, आई डोंट नो क्यों। This is good. तो भाई अमृतसर में क्योंकि एक ही वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैंने सोचा कोई कसर नहीं छोड़ते, हमने बहुत सारी जगह की आज, बहुत स्ट्रीट फूड खाया और बहुत, क्योंकि रात का टाइम में सर्दी आ गई है तो मैंने अपने ऊपर ही बहुत जैकेट पहन लिया। आज की आखिरी खाने वाली जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो है बाजीबा सुरक्षा पार्क। ये बहुत ही हिडन जेम है, एक हल्की सी गली में आता है, इसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जगह 10 साल पुरानी है, यहाँ की सुरक्षा बहुत फेमस है। सोया चाप नॉर्थ में इतनी मिलती है बट अमृतसर में बहुत कम जगह पर सोया चाप मिलती है। एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आज जहाँ भी मैंने शूट किया, जहाँ भी मतलब जहाँ भी लोग बड़े ही प्यारे, बड़े ही स्वीट, बहुत ही अच्छे थे, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे शूट करना हो, चाहे कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करना हो, दे वर वेरी स्वीट। राइट नाउ द थिंग विच इज नॉट स्वीट इज गोइंग टू बी सोया चाप, उन्होंने सोया मसाला चाप मंगाई है, लेट्स सी कैसी होती है टेस्ट। एकदम गर्म, बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर, ऊपर से मलाई डाली है, ये देखिए, ओह माय गॉड इट्स वेरी हॉट। ये ग्रीन चटनी जो स्टेबल होती है सोया चाप के साथ, अलग वन मोर बाइट, एक्चुअली गुड। हमें नॉर्मल जब सोया चाप खाते हैं बहुत मसाले वाली होती है, लोग बहुत चटपटा बनाते हैं। ये मसाला चाप देखोगे ना, देखो साइड से हल्का सा ब्लैक टेक्सचर है, मतलब इसको बहुत अच्छे से वो उसको ग्रिल किया गया था, धुआं देख रहे हो, और इसको ना बहुत सारा जो क्रीम होती है उसमें बहुत अच्छे से इसको मेरे हिसाब से नहलाया गया है और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। चटनी हल्की सी स्पाइसी बोल सकते हो, बहुत ही फ्लेवरफुल है। यहाँ पे आपको अनियंस भी मिलेंगे, मैं हल्का सा यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक डबो देता हूँ इसमें, ऊपर कांदा डालते हैं। ये चटनी के साथ एकदम प्रॉपर परफेक्ट कॉम्बो बन रहा है, दिस वन इज परफेक्ट। जहाँ मुझे लास्ट जगह जाना था वहाँ पे पहुँचते एक्चुअली मैंने थोड़ा शूट करा तो मेरी बैटरी पूरी हो गई, बट लकीली मुझे कुछ शॉट्स मिल गए। अमृतसर में रात के टाइम विंटर्स में आपको बहुत ही जगहों पे गोल्डन टेम्पल के आसपास स्पेशली केसर दूध मिलता है, हमने भी वो केसर दूध पिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन मत पूछिएगा, बहुत जगह पे मिलता है गोल्डन टेम्पल के आजू बाजू, किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई केसर दूध पीना है, गलियों में केसर दूध मिलता है, बहुत ही मस्त मिलता है। बहुत ही मज़ा आया, हम लोग ने आज बहुत कुछ खाया, बहुत घूमा और उतना ही आपको घुमाया, थक गया हूँ अभी। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये सीरीज़ का तो अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, दिल्ली की फुल ऑन फूड सीरीज आने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया तो लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो होगा दिल्ली का एक वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से, peace.